हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में जितने फॉर्मूले हैं, जितने मेथड्स हैं जो अपन ने इंटीग्रेशन में पढ़े थे, वही सब लगते हैं। एक जरा सा चेंज आ जाता है इसमें, वो ये कि इस इंटीग्रेशन में लिमिट्स आ जाती हैं। जबकि अभी तक जो अपन कर रहे थे इंटीग्रेशन, उसमें लिमिट्स नहीं होती थी, बस बाकी सब सेम रहेगा, सारे फॉर्मूले वही, सब कुछ सेम। चलो देखते हैं अपन पहला क्वेश्चन। इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स स्क्वायर dx। जैसे मैंने बोला, फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें अलग से कोई फॉर्मूला नहीं बताया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 से करेंगे हम, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब बाई 3। बस ये जो दो लिमिट्स हैं, इसमें ये जो नीचे वाली लिमिट है इसको अपन बोलते हैं लोअर लिमिट, ये जो ऊपर वाली लिमिट है इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। तो ये जो लिमिट्स हैं इनको अपन ऐसे ब्रैकेट में बाहर लिख देते हैं। ये लोअर लिमिट लिख दी अपन ने, ये हमने अपर लिमिट लिख दी। बस अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो कैसे रखेंगे? पहले x की जगह पर रखेंगे अपन अपर लिमिट, तो x की जगह रख दिया अपन ने 1। क्यूब ऐसे ही रहेगा, नीचे का 3 ऐसे ही, तो x की जगह 1 रख के ये आ गया। अब उसी x की जगह रखी अपन ने लोअर लिमिट, ये जो लोअर लिमिट थी 0, अब उसको रखा हमने x की जगह, तो आ गया 0 का क्यूब अपॉन 3। तो ये हो गया 1 का क्यूब अपॉन 3, मतलब 1 अपॉन 3 माइनस 0 अपॉन 3 आ गया ये आंसर। तो एक और देखते हैं, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4 टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेकेंड क्वेश्चन है, टेन स्क्वायर का डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, पर हमें ये पता है कि टेन स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमने टेन स्क्वायर एक्स को लिख लिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब sec square x का इंटीग्रेशन 10x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट है 0 से पाई बाय 4। अब एक बार x की जगह पर अपर लिमिट यहाँ पर और यहाँ पर, जहाँ जहाँ भी x है उसकी जगह पर अपन ने अपर लिमिट रखी, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, तो ये हो गया 10 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, ये अपर लिमिट रख के आ गया माइनस। अब यही जो 10x है और यही जो x है उसकी जगह पर लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट है 0। तो जहां पर x की जगह पहले अपन ने पाई बाय 4 रखा था, अब हमने रख दिया 0, तो ये टेन 0 और ये 0। अब टेन पाई बाय 4, टेन पाई बाय 4 की वैल्यू 1, ये पाई बाय 4 ऐसी रहेगा, टेन 0 की वैल्यू 0, तो ये आ गया 1 माइनस पाई बाय 4, टेन 45 1 हो गया, माइनस पाई बाय 4 ऐसे ही रहा, माइनस टेन 0 की वैल्यू 0 माइनस 0, तो ये टेन 45 1, ये पाई बाय 4, ये टेन 0 की वैल्यू 0 और ये एक 0 जो पहले से था, 0 माइनस 0 तो 0 हो गया, बचा 1 माइनस पाई बाय 4, ये आ गया अपना फाइनल आंसर। तो देखा तुमने बच्चों कि अपन को करना वही है जो हम अभी तक इंटीग्रेशन में कर रहे थे, बस जरा सा डिफरेंस ये हो जाता है कि इंटीग्रेशन करने के बाद हमें लिमिट रखनी होती है, और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपन जो पहले इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाते थे वो अब अपन को इसमें नहीं लगाना है, वैल्यू पहले से ही कांस्टेंट के फॉर्म में आती है, एक्स आता नहीं है आंसर में, तो अलग से सी अपन को नहीं लगाना है। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 1 से a 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx इक्वल टू 11। इसमें अपन को वैल्यू दी हुई है इंटीग्रेशन की, करना क्या है हमें, जो तुम्हें अपर लिमिट a दिख रही है उसकी वैल्यू अपन को पता करनी है, a की वैल्यू निकालनी है। सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे, 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया x क्यूब बाई 3, 2 ऐसे ही रहा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन x,
लिमिट है 1 से a, इक्वल टू में 11 दिया हुआ है, फिर वही करेंगे, पहले जितने x हैं सबकी जगह अपर लिमिट रखी, ये 3 से 3 कट गया, ये 3 से ये नीचे वाला 3 कैंसिल, ये 2 से ये नीचे वाला 2 कैंसिल, तो बचेगा क्या एक्स क्यूब, उसमें x की जगह a रखा, तो a क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए, ये अपर लिमिट रख दी, माइनस लोअर लिमिट जहाँ जहाँ x था उसकी जगह 1, तो 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू में 11 क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो अभी हो गया ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा 3 इक्वल टू 11, 11 इधर आके माइनस हो गया, तो ये अपने को इक्वेशन मिल गई, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 14 इक्वल टू 0। अब तुम्हें देख रहा है कि क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, ए की कोई वैल्यू अपने मन से रखनी पड़ती है, जो भी वैल्यू होती है वो आखिरी वाली टर्म का फैक्टर होती है, तो अपन सोचें 14 किससे कटता है, 14 2 से कटता है, 14 7 से कटता है, 1 से कटता है, हमें को ये वैल्यूज रख के देखनी है कि किस केस में पूरा सॉल्व करके जीरो आता है, तो मुझे दिख रहा है कि मैं ए को 1 रखूंगा तो 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 14 जीरो नहीं आएगा, तो मैं ए को 2 रख के देखता हूँ, तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब, इसमें रखना है इस एक्सप्रेशन में, तो 2 का क्यूब प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 14, तो 2 का क्यूब हो गया 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14 माइनस 14 ये आ गया 0, ए इक्वल टू 2 रखने पे 0 आया था, 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं, 2 को अपन उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा ए माइनस 2, तो ए माइनस 2 इसका एक फैक्टर हो गया। अब हमें क्या करना है, वो जो पूरा पॉलिनोमियल था ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 14, इस पूरे को ए माइनस 2 से डिवाइड करना है, जो फैक्टर अभी अपन ने निकाला था, और डिवाइड करके देखना है कोशेंट क्या आता है, रिमाइंडर तो आएगा ही जीरो, कोशेंट देखना है, तो कोशेंट आता है तो मैं डिवाइड कर सकते हो, सिंपल है, डिवाइड करने के बाद कोशेंट आता है ए स्क्वायर प्लस 3A प्लस 7। अब हमें इस ए स्क्वायर प्लस 3A प्लस 7 को इक्वल टू जीरो करके और फिर इससे a की दो वैल्यू और निकालनी है, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है ए स्क्वायर प्लस 3A प्लस 7, यदि तुम इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, मिडिल टर्म तो स्प्लिट होगी नहीं, यदि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तब भी इसमें रूट के अंदर नेगेटिव आता है, रूट के अंदर नेगेटिव आता है, इसका मतलब कि यहां से अपने को a की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, इसका मतलब a की वैल्यू वही रही जो अपन ने पहले निकाली थी, और हमने पहले क्या निकाली थी, ए की वैल्यू हमने पहले निकाली थी, ए की वैल्यू 2, ये जो अपन ने सब्स्टिट्यूट करने के बाद चेक करी थी, तो यही अपना आंसर हो गया, ए की वैल्यू आ गई 2, यही हमारा फाइनल आंसर। अब बच्चों जैसे अपन ने इंटीग्रेशन में देखा था, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जिसमें अपन टी मानते थे फंक्शन को, अब वही सब्स्टिट्यूशन डेफिनेट इंटीग्रल में कैसे करते हैं वो देखते हैं अपन। जैसे क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करना, तो तुम्हें याद आ गया होगा क्वेश्चन को देख के कि अपन इसमें क्या करते थे, इसमें अपन एक फंक्शन को टी मानते थे, उस फंक्शन को टी मानते हैं जिसके डिफरेंशियल से दूसरा कट जाता है, तो हमने जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है उसको टी सपोज कर लिया, जिसको टी मानते थे उसको डिफरेंशिएट करते थे, डी टी बाई डी एक्स निकाल लेंगे तो ये आ गया 2x, यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकाल ली वो आ गई डी टी अपॉन 2x। अब जो दो लिमिट क्वेश्चन में दी हुई थी, ये जो दो लिमिट्स होती हैं, क्योंकि यहाँ पे डी एक्स लिखा हुआ है तो ये x की लिमिट होती है, तो हमें क्या करना है, इनको x की जगह रखना है और उससे t निकालना है, तो अपन ने x की जगह पर रखा 0 लोअर लिमिट, इससे t निकाला तो t की वैल्यू आ गई x का स्क्वायर प्लस 1 था, x की जगह रखा 0 तो 0 स्क्वायर प्लस 1 तो लोअर लिमिट 1 आ गई। अब हमने x की जगह रखी अपर लिमिट, अपर लिमिट 1 है उसको x की जगह रखा तो टी आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब 2,
एक्स इज इक्वल टू 1 पर टी की वैल्यू 2 आ गई। तो जो दो लिमिट क्वेश्चन में दी हुई थी 0 और 1, उसकी जगह वो अपनी नई लिमिट हो गई 1 से 2। जहां पर 0 था वहां पर टी की वैल्यू 1 आई है, इसलिए लोअर लिमिट 1 रखनी है। जहां पर एक्स की वैल्यू 1 थी वहां हमारी टी की वैल्यू 2 आई है, तो अपर लिमिट अपन को 2 रखनी है। जो क्वेश्चन में एक्स था उसको हमें वैसे ही रखना है, इसका कुछ नहीं करना। तो ऊपर एक्स जैसा था उसको हमने वैसे ही रखा, नीचे जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 था उसको अपन ने टी माना था, उसकी जगह टी रख दिया। डी एक्स की वैल्यू हमने निकाली डी टी अपॉन 2x, वो रख दी। अब दिख रहा है तुम्हें, नीचे वाले एक्स और ऊपर वाले एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा। 1/2 को बाहर निकाल लिया, अंदर बचा 1/t, एक्स एक्स कट गया, 1/2 बाहर। 1/t का इंटीग्रेशन हम जानते हैं लॉग टी होता है, ये आ गया लॉग टी। लिमिट्स थी 1 से 2, लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले टी की जगह रखा 2 अपर लिमिट, तो हो गया लॉग 2। फिर हमने रखा टी की जगह लोअर लिमिट लॉग 1। लॉग 1, लॉग 1 हमेशा ध्यान रखो लॉग 1 टू एनी बेस 0 होता है, तो वो 0 हो गया, हट गया। तो फाइनल आंसर 1/2 लॉग 2 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 0 से 1/√2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 - x² की पावर 3/2। हम इसमें साइन इनवर्स एक्स को टी मान लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स को टी माना, यहां से एक्स निकाला, साइन इनवर्स उधर चला जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई साइन टी। डिफरेंशिएट करा, डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा कॉस टी, तो डी एक्स की वैल्यू आ गई कॉस टी डी टी, यहां तक आ गए। जितने भी क्वेश्चन में तुम टी सपोज करोगे उन सब में तुम्हें लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में जो लिमिट दी रहती है वो एक्स की रहती है। लेकिन यदि अपन क्वेश्चन में किसी को टी मान लेते हैं तो फिर वो हमारा जो क्वेश्चन है वो टी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो लिमिट भी टी की होनी चाहिए। इसलिए हमें लिमिट हमेशा चेंज करनी है जब भी अपन किसी को टी मानेंगे। लोअर लिमिट एक्स की 0 थी, जब एक्स की वैल्यू 0 है तब टी की वैल्यू क्या है वो निकालने के लिए अपन ने साइन इनवर्स एक्स में एक्स की जगह 0 रख दिया, तो साइन इनवर्स 0 0 आ गया। तो ये एक्स इज इक्वल टू 0 पर टी की वैल्यू पता चल गई। अब एक्स की वैल्यू ली 1/√2, फिर टी निकाला, तो टी हो गया साइन इनवर्स 1/√2। साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 45 डिग्री पर होती है, तो टी की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, मतलब पाई बाय 4। तो हमें दो टी की नई लिमिट्स पता चल गई, एक 0 और एक पाई बाय 4। तो जो अपना क्वेश्चन था वो बन गया 0 से पाई बाय 4। साइन इनवर्स एक्स को हमने टी माना था, साइन इनवर्स एक्स को हमने टी माना था, उसकी जगह पर टी रख देंगे। जो नीचे 1 - x² आ रहा है उसमें एक्स की जगह रखा अपन ने साइन टी, जो नीचे एक्स आ रहा था उसमें एक्स की जगह रखा साइन टी, तो ये ऐसा आ गया 1 - sin² t। ऊपर साइन इनवर्स एक्स को अपन ने टी सपोज करा, वो रख दिया। होल की पावर है 3/2, ये होल की पावर 3/2 क्वेश्चन में दी हुई थी। डी एक्स की वैल्यू कॉस टी डी टी वो भी रख दिया अपन। अब ये ऊपर का टी तो ऐसे ही रहा, नीचे 1 - sin² t हो जाएगा cos² t, उसकी पावर में था 3/2, तो cos² t की पावर में जब 3/2 आएगा तो टी से 2 से 2 कट जाएगा, तो नीचे क्या बचा cos³ t। अब ये जो ऊपर वाला cos t था उससे नीचे वाला cos³ t कटेगा, यहां पर बचेगा cos² t। ये वाली जो टर्म क्यूब वाली दिख रही है उसकी जगह पर बचेगा cos² t, ये क्यूब की जगह पर 2 बच जाएगा। तो वो जो नीचे 2 बचेगा, नीचे हो जाएगा cos² t, उसको ऊपर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा t sec² t dt। ऐसा बन गया क्वेश्चन। अब इसमें दो फंक्शन इनटू में आ गए, तो आइलेट के अकॉर्डिंग बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन हो गया t इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, माइनस इंटीग्रेशन d/dt ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये अपन ने फॉर्मूला लगा दिया। लिमिट थी 0 से पाई बाय 4,
वो लिमिट हमने पीछे की तरफ लिख दी ब्रैकेट के बाहर। अब सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन होता है टेन टी, तो हमने सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन कर लिया टेन टी, माइनस टी का डिफरेंशियल वन हो गया, सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन टेन टी ये आ गया। अब यहाँ पर एक बार इंटीग्रेशन और करना है अपन को, तो टेन टी का इंटीग्रेशन करा वो था लॉग सेक टी, ऐसा आ गया। अब लिमिट रखती है, पहले अपर लिमिट, तो जहाँ जहाँ टी दिख रहा है उसकी जगह पाई बाय फोर, तो पाई बाय फोर टेन पाई बाय फोर माइनस लॉग सेक पाई बाय फोर, ये हमने टी की जगह पाई बाय फोर रख दिया माइनस। अब जहाँ जहाँ टी दिख रहा है उसकी जगह लोअर लिमिट रखी ज़ीरो, ये ज़ीरो माइनस लॉग सेक ज़ीरो यहाँ तक आ गए। टेन पाई बाय फोर की वैल्यू वन होती है, तो आ गया पाई बाय फोर माइनस लॉग सेक पाई बाय फोर होता है रूट टू, माइनस लॉग रूट टू, माइनस ज़ीरो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस, तो ये हो गया प्लस लॉग सेक ज़ीरो, ये लॉग सेक ज़ीरो, सेक ज़ीरो वन होता है तो यहाँ पर आ गया लॉग वन। अब मैंने बताया था लॉग वन होता है ज़ीरो, तो लॉग वन की वैल्यू ज़ीरो हो गई, एक ये ज़ीरो पहले से था मतलब ये पीछे तो ज़ीरो आ गया, तो बची सिर्फ दो टर्म्स, एक बचा पाई बाय फोर, ये पाई बाय फोर, दूसरा था लॉग रूट टू। लॉग रूट टू को हम लिख सकते हैं लॉग टू की पावर वन बाय टू, अब लॉग में पावर आगे जाती है, वन बाय टू आगे आ गया, तो ये आ गया पाई बाय फोर माइनस वन अपॉइंट टू लॉग टू। आगे बच्चों आंसर अपना। अब बच्चों अभी तक जो अपन डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें हम सिंपल इंटीग्रेशन कर रहे थे और उसमें लिमिट रख रहे थे, अब जो ये क्वेश्चन, अब जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चंस, ये थोड़े से अलग हैं। अब ये प्रॉपर्टीज होती हैं डेफिनेट इंटीग्रल की, उनके ऊपर बेस्ड हैं। सबसे पहले तो मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, एक एक प्रॉपर्टी बताते जाऊँगा और फिर उसके ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, एक एक प्रॉपर्टी देखेंगे और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसका मतलब यह है कि यदि इंटीग्रेशन की दो लिमिट्स हैं ए और बी, तो अपन उसके बीच में अपने मन से कोई एक लिमिट सी इंसर्ट कर सकते हैं। अब वो सी क्या होगा ये अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग होता है, तो वो अपन देखेंगे कि किस तरह से हम पता करते हैं सी की वैल्यू, ए और बी तो क्वेश्चन में दिए रहते हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं इसका, जैसे क्वेश्चन है इंटीग्रेशन जीरो टू वन मॉड ऑफ फाइव एक्स माइनस थ्री, तो जैसे मैंने बोला था ए और बी तो अपन को पता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट जीरो और वन, ये जो बीच का नंबर है सी वो हमें निकालना है, तो वो देखते हैं कैसे निकालते हैं। हमेशा याद रखो बच्चों की जो मॉड की वैल्यू होती है उसमें तुम मॉड को हटा सकते हो डायरेक्ट, लेकिन तब हटा सकते हो जब मॉड के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव हो। जैसे मॉड 5x माइनस थ्री को हम 5x माइनस थ्री लिख सकते हैं, लेकिन कब, जब 5x माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो है, थ्री को उधर ले गए तो x इज ग्रेटर देन थ्री अपॉन फाइव। यही मॉड की वैल्यू नेगेटिव होती है, कब होती है नेगेटिव, जब मॉड के अंदर वाली वैल्यू लेस देन जीरो है, तो 5x माइनस थ्री को करा लेस देन जीरो, एक्स आ गया लेस देन थ्री अपॉन फाइव। तो हमें यह पता चल गया कि जब एक्स की वैल्यू थ्री बाय फाइव से बड़ी है तब हमें मॉड फाइव एक्स माइनस थ्री को फाइव एक्स माइनस थ्री लेना है, और जब एक्स की वैल्यू लेस देन थ्री अपॉन फाइव है, थ्री अपॉन फाइव से छोटी है, तब हमें मॉड की वैल्यू को माइनस ऑफ फाइव एक्स माइनस थ्री लेना है। अब देखो 3 अपॉन 5 से छोटा कहाँ तक जाएगा, ये x लेस देन 3 बाय 5 तो 3 अपॉन 5 से छोटा लेना है, लेकिन इंटीग्रेशन तुम देखो 0 से 1 तक ही है, इसका मतलब 3 अपॉन 5 से कम कहाँ तक जा सकता है, 0 तक। और ऐसी ऊपर देखो 3 अपॉन 5 से बड़ा, 3 अपॉन 5 से बड़ा कहाँ तक हो सकता है 3 अपॉन 5 से बड़ा, क्वेश्चन की अपर लिमिट देखो, अपर लिमिट है 1, ये जो 3 अपॉन 5 है इसकी वैल्यू होती है 0.6,
तो हमें चाहिए था 0.6 से बड़ा, तो 0.6 से बड़ा कहाँ तक जाएगा, अपर लिमिट 1 है वहां तक जाएगा। तो जैसे मैंने बोला था जो बीच का नंबर अपन को निकालना था वो बीच का नंबर अपन को पता चल गया, वो बीच का नंबर है 3/5। तो एक बार अपन को एक्स लेस देन 3/5 के लिए इंटीग्रेशन बनाना है, एक बार एक्स ग्रेटर देन 3/5 के लिए बनाना है। लेस देन 3/5 वाला कहाँ से स्टार्ट होगा, इंटीग्रेशन की जो लोअर लिमिट है 0 वहां से, और दूसरा वाला कहाँ तक जाएगा, तो 3/5 से 1 तक जाएगा। तो ये बच्चों अपने दो इंटीग्रेशन बन गए, एक 3/5 से छोटे के लिए 0 to 3/5, दूसरा 3/5 से बड़े के लिए 3/5 to 1 के लिए। जो लेस देन 3/5 है उसके लिए मैंने बोला था मॉड की वैल्यू माइनस में लेनी है, तो ये माइनस ऑफ 5x-3, और 3/5 से बड़े के लिए अपन ने मॉड की वैल्यू प्लस में निकाली थी, तो वो रहेगी प्लस में 5x-3। बस अब तो सिंपल इंटीग्रेशन करना है, पहले वाले में माइनस ऐसे ही रहा, अंदर 5x का इंटीग्रेशन x²/2 -3 का -3x, लिमिट है 0 से 3/5। दूसरे वाले में 5 ऐसे x का इंटीग्रेशन x²/2 -3 का 3x, इसकी लिमिट है 3/5 से 1। अब जहां जहां x है उसकी जगह पहले अपर लिमिट रखनी है, फिर x की जगह पर लोअर लिमिट रखनी है। तो रखा अपन ने, यहां पहले वाले में 5/2, x की जगह रखा 3/5, उसका स्क्वायर हो गया 9/25, -3 × 3/5, तो अपर लिमिट रख के इतना आ गया। अब अपन करेंगे माइनस करके लोअर लिमिट, लेकिन तुम्हें दिख रहा है बच्चों की जो लोअर लिमिट है यहाँ पे, ये लोअर लिमिट की वैल्यू कितनी है, 0। यदि लोअर लिमिट 0 है इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 के लिए तो 0 ही हो जाएगी, इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमें उसको लेने की जरूरत ही नहीं है, हमने उसको छोड़ दिया। अब अपन लेते हैं सेकेंड वाला, इसमें लिमिट रखनी है एक बार 1, एक बार 3/5, पहले 1 रखिए अपर लिमिट, तो 5 × 1 का स्क्वायर/2, 5 × 1/2 -3, ये अपर लिमिट रख दी। माइनस, अब लोअर लिमिट रखनी है, तो एक्स की जगह रखना है अपन को ये लोअर लिमिट 3/5, एक्स की जगह रखा 3/5, तो 5/2 ऐसे ही है, एक्स की जगह रखा 3/5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 9/25, नीचे वाले 2 से इंटू हुआ, 5 × 9/50 -3 × 3/5, ये हमने वैल्यूज रख दी। अब ब्रैकेट ओपन करा, ये माइनस 5 × 9 = 45, -45/50, फिर माइनस माइनस प्लस, 3 × 3 = 9, तो 9/5 प्लस 5/2, फिर -3 माइनस 5 × 9 = 45/50 माइनस माइनस प्लस 9/5, पूरे में एलसीएम ले लिया 50, तो पहली वाली टर्म में आ रहा है -45, फिर +90, फिर +125, -150, -45, +90, सिंपल एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करा, तो ये 65/50 आ रहा है, जिसको 5 से काटने के बाद बचेगा 13/10। हो गया बच्चों ये क्वेश्चन, आंसर आ गया हमारा 13/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है इंटीग्रेशन ऑफ मॉड कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ मॉड कॉस एक्स डीएक्स, लिमिट है 0 to π। फिर हम इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, दो इंटीग्रेशंस में ब्रेक करेंगे, लेकिन ये हमें डिसाइड करना होगा कि जो बीच की लिमिट है वो कितनी है। लोअर और अपर तो दी हुई है 0 से π, बीच का नंबर अपन को ढूंढना है। तो फिर वही मॉड हटाया यदि, तो मॉड कॉस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स हो जाएगा, कब, जब मॉड के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है और कॉस एक्स ग्रेटर देन 0। कॉस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब होती है वो सोचें, तो कॉस की वैल्यू 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है और फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है, लेकिन क्योंकि अपनी जो अपर लिमिट है वो तो मेरे दिख रहा है पाए है, इसका मतलब अपन को सिर्फ पहले और दूसरे क्वाड्रेंट तक ही कंसिडर करना है, 0 से π मतलब फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का नंबर ही नहीं आएगा।
तो हमें पता चल गया कि कॉस की वैल्यू पॉजिटिव जो इंटरवल अपने को दिया उसके अकॉर्डिंग सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। तो ये पहले केस के लिए अपन को पता चल गया कि मॉड कॉस एक्स को हमें कॉस एक्स लेना है जबकि एक्स की लिमिट 0 से पाई बाय 2 है। अब यही मॉड कॉस एक्स को माइनस कॉस एक्स लेंगे, माइनस कॉस एक्स तब लेंगे जब मॉड की वैल्यू लेस देन 0 है, तो कॉस एक्स इज लेस देन 0। अब कॉस थीटा की वैल्यू लेस देन 0 मतलब नेगेटिव कब होती है? सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल पाई बाय 2 से पाई तक जाता है। इसका मतलब अपने को क्वेश्चन पता चल गया, हमें ये पता चल गया कि जब अपन ने 0 से पाई बाय 2 लिया, जब 0 से पाई बाय 2 लिया तब हमें मॉड कॉस एक्स को कॉस एक्स लेना है, और जब अपन इंटीग्रेशन की लिमिट पाई बाय 2 से पाई ले रहे हैं तब हमें मॉड कॉस एक्स को माइनस कॉस एक्स लेना है। तो दो इंटीग्रेशन बन गए, ये 0 से पाई बाय 2 इसमें अपन को कॉस एक्स लेना है, और पाई बाय 2 से पाई सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें माइनस कॉस एक्स लेना है। बस अब इंटीग्रेशन तो सिंपल है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, लिमिट 0 से पाई बाय 2, माइनस बाहर निकाल लिया, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन फिर साइन एक्स, लिमिट पाई बाय 2 से पाई, लिमिट रखी एक्स की जगह पाई बाय 2, फिर एक्स की जगह 0, तो ये आ गया साइन पाई बाय 2 माइनस साइन 0। दूसरे वाले में पहले अपर लिमिट रखी तो साइन पाई माइनस लोअर लिमिट रखी साइन पाई बाय 2। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो साइन 91 साइन 0 0 माइनस साइन पाई मतलब साइन 180 वो 0 माइनस माइनस प्लस साइन 91, तो ये 1 + 1 ये आ गया अपना फाइनल आंसर 2। तो इस तरह से बच्चों तुमने देखा कि यदि ए से बी की लिमिट दी हो तो अपन बीच का जो नंबर सी है उसको किस तरह से इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं वो अपन ने सीख लिया इसमें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे ज्यादा यही वाली प्रॉपर्टी यूज होती है, इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इसका मतलब ये होता है कि यदि एक्स जहां पर आ रहा है उसकी जगह पर हम ए माइनस एक्स रख सकते हैं, लेकिन जो लोअर लिमिट है वो जरूरी है कि 0 होना चाहिए। जब लोअर लिमिट 0 होती है तभी हम ये वाला प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, लोअर लिमिट का 0 होना जरूरी है तभी अपन ये वाली प्रॉपर्टी इसमें यूज कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो प्रॉपर्टी याद रखना है कि जहां पर एक्स था हम उसकी जगह पर ए माइनस एक्स रख सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखना है, और लोअर लिमिट 0 होना जरूरी है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इस प्रॉपर्टी का कोई भी क्वेश्चन आए सबसे पहले अपन क्वेश्चन को आई नाम दे देंगे, हमने क्वेश्चन को आई नाम दे दिया, आई फॉर इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टी लगाइए, प्रॉपर्टी में मैंने क्या बोला, जहां जहां एक्स आता है उसकी जगह रखना है ए माइनस एक्स, तो ऊपर नीचे जहां भी एक्स दिख रहा है उसकी जगह ए माइनस एक्स। तो आई हो गया 0 से पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। पाई बाय 2 माइनस एक्स मतलब साइन 90 माइनस थीटा, दैट इज कॉस थीटा। ऐसे नीचे जहां कॉस 90 माइनस थीटा है वो जाएगा साइन थीटा, तो ये आ गया कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो अब बच्चों देखो दो इंटीग्रेशन हो गए, एक क्वेश्चन वाला और एक जो अपन ने प्रॉपर्टी लगा के बनाया, ये दो इंटीग्रल आ गए। इन दोनों इंटीग्रेशन को हम ऐड कर देंगे, इसको और ये वाले को, ये दो इंटीग्रेशन इनको ऐड करा तो आई प्लस आई हो गया 2i, ये दोनों ऐड होके 2i। अब जब ये वाला इंटीग्रेशन और ये वाला इंटीग्रेशन ये ऐड हो रहा है, तुम्हें दिख रहा है दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये अपन ने दोनों इंटीग्रेशन ऐड करे, ये डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, उसको एलसीएम ले लिया,
तो ऊपर आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे भी वही था, ऊपर नीचे सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होके बचा वन, वन का इंटीग्रेशन एक्स, लिमिट है अपनी क्वेश्चन में जीरो से पाई बाई टू, दिया गया टू आई इक्वल टू पाई बाई टू, टू को नीचे ले गए, आई की वैल्यू आ गई पाई बाई फोर। ओके चलो इसी का एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन, इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाय टू लॉग टेन एक्स डी एक्स, देख रहा है तुम्हें नीचे जीरो आ रहा है, जीरो टू ए के फॉर्म में है क्वेश्चन, तो अपन को समझ में आ गया कि हम इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। फिर वैसे ही करेंगे जैसे मैंने भी बताया था, क्वेश्चन को आई नाम दे देंगे, प्रॉपर्टी लगाई, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जहाँ पर एक्स आता है हम उसकी जगह रख सकते हैं ए माइनस एक्स, हमारा ए है पाई बाई टू, तो ये हो गया पाई बाई टू माइनस एक्स, अब ये हो गया लॉग टेन पाई बाई टू माइनस एक्स, टेन नाइन्टी माइनस थीटा कॉट थीटा, तो ये हो गया लॉग कॉट एक्स। तो अब आई की दो वैल्यूज हो गई, एक ये जो हमने सपोज करी थी, एक ये जो प्रॉपर्टी लगा के आई, दोनों आई को जोड़ दिया टू आई, ये हो गया लॉग टेन एक्स प्लस लॉग कॉट एक्स, दोनों को ऐड करके ये आ गया। अब लॉग में तुम जानते हो प्लस वाली टर्म इनटू हो जाती है, ये हो जाएगा लॉग टेन एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट होता है वन अपॉन टेन एक्स, तो टेन एक्स कट गए, बचा लॉग वन, लॉग वन टू एनी बेस इज जीरो, तो वैल्यू आ गई जीरो। टू आई की वैल्यू यदि जीरो आ गई, टू नीचे जाएगा तो जीरो अपॉन टू तो जीरो ही रहेगा, तो आई की वैल्यू जीरो, फाइनल आंसर आ गया अपना जीरो। तो बच्चों इस तरह से तुमने देखा कि हम इस प्रॉपर्टी के जो क्वेश्चंस हैं उनको आई लेके सॉल्व करते हैं। अब बच्चों अपन देखते हैं अगली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर थ्री। प्रॉपर्टी कहती है इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स है यदि, तो इसकी दो वैल्यूज होती हैं, इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है यदि ये फंक्शन ऑड फंक्शन है, और इसी की वैल्यू टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स होती है यदि एफ एक्स एक इवन फंक्शन है। सेम इंटीग्रेशन है, इसकी दो अलग अलग वैल्यूज पॉसिबल हैं, इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है यदि एफ एक्स ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का मतलब होता है ऐसा फंक्शन जिसमें एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर हो, मतलब कि यदि अपन फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स रख दें तो फंक्शन और जो वैल्यू अभी आ रही है उसमें माइनस साइन का डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल जैसे साइन साइन एक्स मान लो फंक्शन, उसमें यदि एक्स की जगह माइनस एक्स रखा तो वो जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स, माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस साइन एक्स, तो फंक्शन हमारा साइन एक्स था जबकि माइनस एक्स रखने पर वो माइनस साइन एक्स हो गया, तो हमको देख रहा है फंक्शन की वैल्यू में चेंज आ गया, तो ऐसा फंक्शन ऑड फंक्शन कहलाता है। लेकिन यदि मान लो फंक्शन इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन फॉर एग्जांपल जैसे कॉस एक्स, कॉस एक्स में यदि अपन ने एक्स की जगह माइनस एक्स भी रखा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा फंक्शन इवन फंक्शन कहलाता है। तो यदि ऑड फंक्शन है तो कुछ करना ही नहीं है, सीधे आंसर जीरो। लेकिन यदि इवन फंक्शन है तो क्वेश्चन हो जाएगा टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, मतलब जो लिमिट माइनस ए टू ए थी वो टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है ये इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू साइन टू द पास सेवन एक्स। सबसे पहला काम होता है आइडेंटिफाई करना कि फंक्शन इवन है कि ऑड है, तो अपन ने फंक्शन को मान लिया जो क्वेश्चन था वो साइन टू द पास सेवन, एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, ये एक्स की जगह रखा माइनस एक्स, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आ जाएगा, ऑड पावर है तो माइनस का माइनस ही रहेगा बाहर, इवन होती तो ये प्लस हो जाता, यदि माइनस बाहर आ गया तो माइनस साइन सेवन एक्स है, पर साइन सेवन एक्स हमारा एफ एक्स था, तो जहां पर साइन सेवन एक्स आ रहा है उसकी जगह पर हमने एफ एक्स रख दिया, तो ये वैल्यू आ गई माइनस एफ एक्स के बराबर, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो गया, ये किसकी कंडीशन थी ऑड की, तो फंक्शन हो गया ऑड फंक्शन,
ऑड फंक्शन के लिए हमने पढ़ा फॉर्मूला ऊपर कि वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, ऑड फंक्शन के लिए ज़ीरो रहती है, तो आ गई वैल्यू ज़ीरो, ये आ गया अपना आंसर, कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स। एफ एक्स दिया है इसमें, वही पहचानना है पहले कि इवन है कि ऑड है, तो एफ एक्स है साइन स्क्वेयर एक्स, फिर वही पहचानने के लिए हमने एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, एक्स की जगह यदि अपन ने माइनस एक्स रखा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर ऑफ माइनस एक्स, साइन स्क्वेयर ऑफ माइनस एक्स, साइन में माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस बाहर यदि अपन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर में तो माइनस भी प्लस ही होता है, इसलिए ये वैल्यू पॉजिटिव रही, प्लस साइन स्क्वायर एक्स रही, क्योंकि इवन पावर आ रही है इसलिए साइन स्क्वायर है साइन फोर है उन सब में पॉजिटिव रहेगा। तो ये जो वैल्यू आ रही है जो अपन ने फंक्शन एफ एक्स सपोज करा था जो अपने को क्वेश्चन में दिया था, ये वैल्यू उसी के बराबर आ रही है, तो इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ गया। यदि एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर होता है तो फंक्शन इवन होता है, पिछली बार माइनस एफ एक्स के बराबर आ रहा था तो हमने उसको ऑड बोला था। अब इवन वाले की प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, इवन वाले में हमने पढ़ा था कि यदि माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स होता है तो वो टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाता है, तो ये टू जीरो टू ए, ए अपनी है अपर लिमिट रहती है, नीचे वाली हमारी माइनस ए कहलाती है, तो ये आ गया टू जीरो टू ए जीरो टू पाई बाई टू साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स। अब साइन स्क्वेयर का हमें पता है डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, पर हमें साइन स्क्वेयर का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पता है, वो होता है वन माइनस कॉस टू थीटा होल अपॉन टू, ये अपन ने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा दिया। अब ये जो टू है नीचे वाला, इससे इधर वाला जो सामने वाला टू है ये कैंसिल हो गया, बचा वन माइनस कॉस टू एक्स, इसका इंटीग्रेशन, वन का इंटीग्रेशन हो गया एक्स, कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन साइन टू एक्स बाय टू, लिमिट है जीरो से पाई बाय टू। अब लिमिट रखी, एक्स की जगह रखा पाई बाय टू, तो ये हो गया पाई बाय टू माइनस साइन टू पाई बाय टू अपॉन टू, ये अपर लिमिट रखती। लोअर लिमिट यदि रखेंगे अपन तो तुम्हें दिख रहा है एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी और साइन जीरो यहाँ पर ये भी जीरो हो जाएगा, तो वो लोअर लिमिट तो पूरी जीरो हो गई, तब बचा पाई बाय टू माइनस हाफ साइन टू पाई बाय टू, टू से ये टू से ये वाला टू कैंसिल, तो बचा पाई बाय टू माइनस हाफ साइन पाए, कितना बचा साइन पाए, साइन 180 की वैल्यू जीरो होती है, उसकी वैल्यू जीरो रख दी, तो फाइनल आंसर पाई बाय टू। तो ऐसे बच्चों अपन ने देखे ये वाले क्वेश्चन जो माइनस ए से प्लस ए के फॉर्म के होते हैं। ये थी अपनी प्रॉपर्टी नंबर थ्री। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर फोर। प्रॉपर्टी नंबर फोर ये है कि यदि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है तो हम उसको ए टू बी एफ वाई डी वाई लिख सकते हैं। मतलब कहने की बात ये कि हम एक्स की जगह पर अपने मन से कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हैं। मैंने वाई लिया है, तुम चाहो तो जेड ले सकते हो, टी ले सकते हो, तो ये एफ वाई डी वाई एफ टी डी टी उसके बराबर हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी ज़्यादा यूज़ होती नहीं है इसलिए इनके मैंने क्वेश्चंस नहीं करवाए। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ए टू ए एफ एक्स डी एक्स प्रॉपर्टी नंबर फाइव। यदि लोअर और अपर लिमिट सेम है, लोअर और अपर लिमिट सेम है तो पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू ज़ीरो होती है, कुछ नहीं करना है अपन को, बस अब लोअर और अपर लिमिट सेम तो वैल्यू ज़ीरो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों प्रॉपर्टी नंबर सिक्स। यदि इंटीग्रेशन जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स है तो हम इसको लिख सकते हैं टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। इसका मतलब कि जो अपर लिमिट टू ए है उसका जो ये टू है इसको अपन बाहर निकाल सकते हैं, सामने लिख सकते हैं, ये टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ तब होता है जब एफ टू ए माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर, और इसी इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो हो जाती है जब एफ टू ए माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर। तो हमें ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि
ये अपना एफ टू ए माइनस एक्स किसके बराबर आ रहा है, एफ एक्स के बराबर आ रहा है कि माइनस एफ एक्स के बराबर आ रहा है। चलो देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं कैसे चेक करते हैं। सपोज क्वेश्चन है 0 से 2 पाए कॉस टू द पावर 5x, हमने इसको फंक्शन मान लिया एफ एक्स। 2a की जगह पर क्या आ रहा है, 2a की जगह पर ये पूरा 2π आ रहा है। तो अब अपन ने निकाला एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, ये जो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स है वो निकाला, तो एफ 2π माइनस एक्स। तो फंक्शन में, क्वेश्चन में जहां पर एक्स था उसकी जगह 2π माइनस एक्स रख दिया। 2π माइनस एक्स सोचें क्या होगा, cos 360 माइनस 3, फोर्थ क्वाड्रेंट, cos पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा cos2 पावर 5x। इसका मतलब ये हुआ कि ये वही वैल्यू आई जो अपना फंक्शन था, जो फंक्शन था वही आ रहा है सेम। तो एफ टू ए माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ गया। अब यदि एफ टू ए माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आता है तो हमने क्या पढ़ी प्रॉपर्टी, पहली वाली, पहली वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो 2 है वो सामने आ जाएगा। तो ये जो 0 से 2 पाई का 2 है ये 2 सामने आ जाएगा, ये 2 आ गया आगे, तो 2 0 2 पाए cos2 पावर 5x dx आ गया। अब ये जो cos2 पावर 5x dx ये वाला इंटीग्रेशन है, इतना इंटीग्रेशन 2 को छोड़ के, इस इंटीग्रेशन को अपन ने i नाम दे दिया, तो ये आ गया हमारा 2i। तो जो अपना क्वेश्चन था उसकी वैल्यू हुई 2i, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लिया। अब जिस इंटीग्रेशन को अपन ने i माना था 0 से पाए cos2 पावर 5x, उस i की वैल्यू अपन अलग से निकालेंगे। हमने जिस इंटीग्रेशन को i सपोज करा था वो था इंटीग्रेशन 0 से पाए cos2 पावर 5x dx। इस cos2 पावर 5x जिसको अपन ने i लिया था, अब इसकी वैल्यू निकालनी। इसकी वैल्यू निकालने के लिए जो हमने सबसे पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी नंबर 2 या 3 बताई थी मैंने, इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx होता है तो हम x की जगह a माइनस एक्स रख सकते हैं, वो प्रॉपर्टी लगा दी। इसमें लग सकती है क्योंकि लोअर लिमिट 0 है। अब पाई माइनस एक्स मतलब cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा -cos थीटा, और क्योंकि पावर ऑड है तो माइनस बना रहा, यदि इवन पावर होती तो वो प्लस हो जाता, तो ये आ गया माइनस ऑफ दिस। अब ये अपन को आई की वैल्यू पता चल गई। अब दो आई हमने जोड़ दिए, एक ये वाला आई और एक ये वाला आई, तो ये आ गया 2i इक्वल टू, जब हमने दोनों को ऐड किया, ये वाला इंटीग्रेशन और ये वाला इंटीग्रेशन, तो तुम्हें दिख रहा है दोनों सेम है लेकिन सिर्फ एक ये माइनस साइन का डिफरेंस है। इस माइनस साइन की डिफरेंस की वजह से ये वाला इंटीग्रेशन और ये वाला इंटीग्रेशन ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो 2i की वैल्यू आ गई 0, 2 नीचे चला गया तो i की वैल्यू आ गई 0। ये i की वैल्यू हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 ये वाली, इसमें 2i में i की जगह रख दिया 0, तो 2 इंटू 0 0, तो आगे वैल्यू 0।